अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत तौफीक के साथ होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आलू कतली रेसिपी, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने अलग एक अंदाज़ में बनाई। बहुत ही झटपट ये बन जाती है सब्ज़ी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चटपटे सब्ज़ी की कतलियाँ सब्ज़ी स्टार्ट करते हैं। दो आलू लिए, दो आलू को अच्छे से धो लिए। अभी क्या करना है, इसे अच्छे से छिल के काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने आलू को इस तरीके से लंबे लंबे वापस से धो ली थी और इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए। अभी क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली और उसमें डाल दिए 2 चम्मच ऑयल। यहाँ पे डालना है प्याज को। प्याज को हल्का ब्राउन कलर में ले आना है। यहाँ पर हल्का ब्राउन हो चाहिए, हल्का सा डालने 1 टेबल स्पून जीरा डालने पर डालेंगे हम उसमें। यहाँ पर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून हल्दी। तो यहाँ पर डालेंगे हम कटे हुए टमाटर और हमारे आलू कटे हुए डालेंगे। तो यहाँ पे हमने कटी मिर्ची ले ली 5 से 6। तो यहाँ पे लेना हमें फ्रेश कटी हुई हरी धनिया। यहाँ पे लेना है 1 टेबल स्पून नमक, स्वाद अनुसार आप नमक ले लें और इसे अच्छी तरीके से मिला लें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे पकने के लिए रख देना है। ये एक अलग तरीके की, बहुत ही आसान तरीके से आप इस सब्ज़ी को बनाएं। और इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको ढक के रख दें पकने के लिए। यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से वापस से मिक्स करके इसको जब तक पानी का सूख नहीं जाता इसको पकने देना है। आप लोग की हमारी सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको आलू तोड़ के दिखाती हूँ। चलो इसी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो देख सकते हैं आप लोग की फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।